हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ आलू बैंगन की सब्जी। बैंगन कई तरीके से बनाया जाता है, आप इसकी सूखी सब्जी भी बना सकते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ आलू बैंगन की ग्रेवी स्टाइल में सब्जी। इसके लिए हमने ले लिए हैं बैंगन और आलू। बैंगन को हम वॉश करके और आलू को भी वॉश करके अच्छे से कट कर लेंगे। ये देखिए, बैंगन मैंने कट करके पानी में डाल दिया है, इससे इसका कलर चेंज नहीं होता है। आलू भी मैंने कट कर लिए हैं और इसको वॉश करके रख दिया है। इसके लिए हमें जो चाहिए ग्रेवी बनाने के लिए, वो है मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, कटे हुए टमाटर लिए हैं मैंने, कटा हुआ प्याज लिया है और दो हरी मिर्च मैंने ली है। इसके अलावा मसालों में हम लेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और जीरा। सबसे पहले तेल गरम करके हम आलू और बैंगन को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे फ्राई करें, अगर आप ना चाहें तो आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा फ्राई किया है, इससे थोड़ा सा टेस्ट इसका अच्छा आ जाता है और ये जल्दी ग्रेवी में पक भी जाता है। तो मैं थोड़ा सा बस इसको 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे फ्राई करूंगी। ये देखिए, बैंगन और आलू धीरे धीरे फ्राई हो रहे हैं। इसके बाद मैं कढ़ाही में तेल गरम करूंगी। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हींग। यहाँ पे मैं एक चुटकी इसमें हींग डालूंगी। हींग डालने के बाद मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जैसे तेज पत्ता, दालचीनी के 2 टुकड़े और 3 लौंग। यहाँ पे मैंने 3 तेज पत्ते डाले हैं, आप चाहें तो डालें, ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे टेस्ट काफी अच्छा आता है। और मैंने ऑयल यहाँ पे सरसों का ऑयल यूज़ किया है। कोई भी बैंगन की सब्जी अगर आप बनाते हैं तो वो सरसों के ऑयल में काफ़ी अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। ये देखिए, मसाले भून चुके हैं। अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे जीरा, उसके बाद मैंने जो अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया था वो मैं डालूंगी। को थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के बाद कटे हुए प्याज इसमें डालेंगे। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे ग्रेवी वाली सब्जी बता रही हूँ, बहुत ज्यादा इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। प्याज को हमको लगभग ब्राउन होने तक भूनना है। देखिए, प्याज ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए टमाटर। टमाटर को भी थोड़ा पक जाने देना है, हल्के से जब ये गल जाएंगे तब समझिए टमाटर पक चुके हैं। अब हम इसमें हरे मिर्च डाल देंगे। अभी टमाटर को थोड़ा सा और पक जाने देते हैं और इसको हम ढक देते हैं 1 मिनट के लिए लगभग। अभी देखिए, टमाटर अच्छे से कुक हो चुका है। मैंने यहाँ पे ऑयल का बहुत कम यूज किया है क्योंकि ऑलरेडी मैंने आलू और बैंगन को फ्राई किया था। अब हम इसमें आलू बैंगन डाल देंगे जो मैंने फ्राई किए थे। और इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें मसाले। मैंने हल्दी पाउडर डाला यहाँ पे लगभग 1.5 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्च 1 चम्मच और नमक। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा भून लेंगे। इसके बाद क्योंकि हमें ग्रेवी बनानी है, इसलिए हम इसमें
थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। आप जैसी ग्रेवी बनाना चाहते हैं, ज़्यादा पानी, अगर आप ज़्यादा गाढ़ी बनाना चाहते हैं तो कम पानी डालिए, अगर थोड़ी वैसी बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा पानी डालिए, ये आप पे डिपेंड करता है। और इसको हम लगभग 5 से 10 मिनट के लिए ढककर धीमी आंच पर पकने देंगे। देखिए ग्रेवी में उबाल आ चुका है, अब सब्जी लगभग पक चुकी है। सब्जी ग्रेवी हमारी बनकर तैयार हो गई है, काफ़ी टेस्टी रहती है, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। काफ़ी इजी है, जो आपके घर में इंग्रेडिएंट है सिंपल, उन्हीं से ही सब्जी बन जाती है। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।